मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिगर डिज़ाइन को ड्रॉ करने में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही आपको ये भी देखने को मिलेगा कि मैं राधा कृष्ण की ये खूबसूरत सी डिज़ाइन कैसे बनाती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। होली का त्यौहार आ रहा है और राधा कृष्ण की ये खूबसूरत सी डिज़ाइन काफ़ी पॉपुलर है होली के डिज़ाइन में। मुझे इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के लिए कुछ होली स्पेशल डिज़ाइन क्रिएट करनी थी, तो मैंने उस हिसाब से आपके लिए ये डिज़ाइन रिकॉर्ड भी कर ली ताकि ये फिगर डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। ये राधा कृष्ण का डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है और ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। इसका रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, अगर मैं वो शेयर करती तो शायद मेरी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आने का इशू हो सकता था, इसलिए मैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। बाकी अगर आप गूगल पे होली स्पेशल डिज़ाइन सर्च करेंगे तो राधा कृष्ण की बहुत सारी डिज़ाइंस आपको दिख जाएगी। अब फिगर ड्राइंग हमारे लिए इतना डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता है, इतना मुश्किल क्यों हो जाता है ये डिज़ाइन हमें बनाना? क्योंकि जो डिज़ाइन आप बना रहे होते हो उसके बारे में आप प्रॉपर नॉलेज नहीं लेते हो, उसे डायरेक्ट आप बनाना शुरू कर देते हो। आपको उसे प्रॉपर रीड करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, उसे बनाने से पहले उसके बारे में जानना, उसे समझना बहुत ज़रूरी होता है उस डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए। अब आपका सबसे पहला काम होना चाहिए उस फिगर डिज़ाइन की शर्तों को यानी डिमांड को समझना जिसे आप ड्रॉ कर रहे हो। जब तक आप वो चीज़ नहीं समझ पाएंगे तब तक आपके लिए ये ड्रॉ करना बहुत ही मुश्किल रहेगा। आप अगर डायरेक्ट कोण से नहीं बना पा रहे हैं तो आप पेंसिल से भी उसे ड्रॉ कर सकते हैं। पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद आप इजीली उसे कोण से बना पाएंगे। पेंसिल से बनाने से आपको उस फिगर डिज़ाइन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जैसे उसका फेस कैसे बनेगा, उसके हाथ कैसे बनेंगे, उसके बॉडी शेप कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें आपको पेंसिल से बनाने से बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। एक फिगर डिज़ाइन को ड्रॉ करने से पहले काफ़ी सारी स्टेपों से गुजरना पड़ता है, जैसे उसका फेस साइज़ कितना होना चाहिए, उसका हाथ का साइज़ कितना होना चाहिए, उसका बॉडी साइज़ कितना होना चाहिए, वो किस पार्ट में कितना बनेगा, आपके जिस पार्ट में आप उसको बनाना चाहते हो वो उसमें फिट बैठेगा या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस चीज़ को अच्छे से बना पाएंगे। उसका फेस का साइज़ और हाथ का साइज़ अगर डिफरेंट होता है तो आपका जो फिगर डिज़ाइन है बहुत ही गंदा लगता है। ये चीज़ आप समझ सकते हैं और ये चीज़ आप अच्छे से जानते भी होंगे। जो चीज़ आपको जितनी इनफ साइज़ में चाहिए वो आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए आपको ये सब समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कितना बड़ा आपको कब बनाना है, उसे कितना आपको किस साइज़ में आपको बनाना है और आप किस साइज़ में उसे बेस्ट बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले अपने माइंड में क्लियर करनी होगी। अगर आप ये सब जाने बिना ये बनाते हैं तो इससे आपकी फ़िगर डिज़ाइन अच्छी नहीं बन पाएगी और आप बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप फिगर डिज़ाइन की प्रैक्टिस करें या पहली बार ट्राई कर रहे हो तो आप उसे अच्छे से समझें और उसके बाद उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि ये चीज़ आपके साथ नहीं हो। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है मेहंदी जिसे आप यूज़ कर रहे हैं वो कैसी है, या जो आप मेहंदी जिससे आप फिगर डिज़ाइन बनाने वाले हैं वो ताज़ी है या बहुत पुरानी है, या उसका कंसिस्टेंसी सही है या नहीं, क्योंकि यहाँ जो आपको काम करना है वो बहुत ही बारीक होता है। यहाँ पे डेकोरेशन जो भी अपन को इस पे करना है वो भी बहुत ही बारीक होता है।
फेस डिज़ाइन भी अपन को बहुत बारीकी से बनाना होता है। अगर थोड़ा सा भी कुछ मिस्टेक हो जाता है तो डिज़ाइन बहुत ही गंदी लगती है। इस चीज़ के लिए आपको अपना कोण बहुत बारीक रखना होता है, और बारीक रखने के लिए पेस्ट भी बहुत ही पतला और अच्छा ताज़ा रखना होता है, क्योंकि पुरानी मेहंदी में लम्स होते हैं और वो बहुत ही मोटा चलता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। अगर आप ये नहीं देखेंगे या नहीं समझ पाएंगे तो आपका फिगर डिज़ाइन बिगड़ सकता है और बहुत ही गंदा लग सकता है। आपकी फिगर डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने के लिए मेहंदी का पेस्ट भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी उस फिगर डिज़ाइन को समझना है। इसीलिए पेस्ट की क्वालिटी अच्छी होना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो चीज़ अच्छी नहीं होती है तो आपकी फिगर डिज़ाइन में इतनी खूबसूरती नहीं आ पाएगी। जो प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट है वो बहुत ही आराम से अपने फिगर डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं, बिकॉज उनकी मेहंदी भी उतनी ही परफेक्ट होती है और उतनी ही ताज़ा होती है। ये चीज़ आपने काफ़ी बार देखी होगी, वो बहुत ही आराम से अपने फिगर के डिज़ाइन बनाते हैं और बहुत ही जल्दी वो डिज़ाइन बना लेते हैं। उस डिज़ाइन को बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी सारी मेहनत की होती है, काफ़ी बार उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की हुई होती है, इसलिए वो अब इतने परफेक्ट हो चुके होते हैं कि वो कभी भी किसी भी टाइम कोई भी फिगर बना लेते हैं और बहुत ही इजीली बना लेते हैं। उन्होंने ऐसे काफ़ी सारे फिगर्स की प्रैक्टिस पहले की है कि वो इतने परफेक्ट हो चुके हैं। उनकी बारीकी भी बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन वो आराम से क्रिएट कर लेते हैं। उनकी आईज़ भी उतनी ही परफेक्ट बनाते हैं जितना परफेक्ट वो फिगर का डिज़ाइन बनाते हैं। ये सब उनकी प्रैक्टिस के ही ज़रिए वो कर पाते हैं। आप भी वैसा वर्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको लाइनों की परफेक्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए और मेहंदी की कंसिस्टेंसी को जानना भी आना चाहिए। मेहंदी आपको कैसी चाहिए, कैसी मेहंदी परफेक्ट होगी, लाइनें कितनी परफेक्ट आनी चाहिए, कहाँ किस हिसाब से हाथ को कंट्रोल करना है, कहाँ किस हिसाब से लाइन क्रिएट करनी है, वो सारी चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए। और ये सब नॉलेज होने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करते करते ही आपको सारी चीज़ें समझ आएगी कि कहाँ कैसी लाइन क्रिएट करनी है, कहाँ बहुत हार्ड हाथ चलना चाहिए और कहाँ नॉर्मल चलना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करते करते ही समझ आएगी। फिगर डिज़ाइन में सभी लाइनों का अपना एक अलग महत्व होता है। अगर आप लाइनें इधर उधर कर देते हैं तो वो फिगर की डिज़ाइन अच्छी नहीं बन पाएगी, और अगर आप पतली लाइन की जगह मोटी लाइन चला देते हैं तो भी फिगर का डिज़ाइन आपका बिगड़ सकता है। तो ये सब आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको समझ आ पाएगा। सिर्फ देख के या सिर्फ हल्का फुल्का जान के या सुनने से आपको ये नहीं समझ आ पाएगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप हाथ में लेंगे तो ज़रूर आपसे हो जाएगा, एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, पर तीसरी बार में आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ मेरे को पतला चलाना है, यहाँ मेरे को मोटा चलाना है। ये चीज़ आप प्रैक्टिस करके ही समझ पाएंगे। आई होप आपको ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगेगा। मैंने ये डिज़ाइन बहुत ही बारीकी से बनाया है, जिसमें मैंने राधा कृष्ण की खूबसूरत से डिज़ाइन में लहंगे के डिज़ाइन को भी बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश की है, जो कि आपसे भी काफ़ी ईजी तरीके से बन जाएगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। यदि आपको इसमें कुछ नहीं समझ आए तो वीडियो की स्पीड को कम करके आप आराम से इसे देख सकते हैं। मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी थी क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो रही थी। आई होप मैंने जो सब बताया है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के आप एक फिगर की डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करें जो आपको पसंद हो। इसके साथ ही अभी आने वाली है होली, तो उसके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी। ऐसे मनाए होली का त्यौहार, पिचकारी से बरसे सिर्फ प्यार, ये है मौका अपनों से गले मिलने का, तो गुलाल और रंग लेके हो जाए तैयार।
उड़ने दो रंगों को इस बेरंग जिंदगी में। एक त्योहार ही तो है जो हमें रंगीन बनाए। हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक कर दे, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।